हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवी एंड वेलकम टू माय इंडो अमेरिकन किचन। आज मैं आप लोग के साथ ओडिशा के एक स्पेशल रेसिपी डालमा शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। वैसे तो डालमा का बहुत सारा वेराइटीज होता है, जैसे कि आप इसको तूर दाल से बना सकते हैं, मूंग दाल से बना सकते हैं, विदाउट ओनियन गार्लिक बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मूंग दाल से कैसे डालमा बनाया जाता है वो सिखाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में एक कप मूंग दाल डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज होके एक अच्छी खुशबू ना आ जाए इसमें। 4 मिनट बाद हम इसको निकाल के अच्छे से धो लेंगे। फिर हम सेम पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म होते ही धो के रखा हुआ मूंग दाल को हम यहाँ पर डाल देंगे। अच्छे से सारी चीजों को मिला के हम इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम कवर निकाल देंगे और ये देखिए दाल हमारा 50% कुक हो चुका है। तो अभी हम इसमें पपीता, परवल, कद्दू, गाजर, बीन्स, आलू और बैगन को डाल देंगे। आप आपके हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हैं। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक फिर से डाल देंगे। और यहाँ पे मैं 3 छोटे टमाटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो 1 टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर इसको कवर करके हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट बाद हम कवर निकाल देंगे और आप देख सकते हैं दाल और वेजिटेबल हमारा लगभग 80% कुक हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे और इसको कवर करके फिर से 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 7 मिनट बाद हम कवर निकाल देंगे और ये देखिए हमारा दाल और वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गया है यहाँ पे। अभी एक व्हिस्क की सहायता से मैं दाल को थोड़ा मैश कर लूंगी। फिर इसमें 2 स्पून हम ग्रेटेड नारियल यानी कि कोकोनट डाल के इसको एक साइड पे रख देंगे और इसमें एक तड़का देने के लिए और एक पैन में 1 स्पून घी ऐड करेंगे। घी हमारा गर्म होते ही हम यहाँ पे 3 सूखे मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून कमिन सीड्स यानी जीरा और 1/4 टीस्पून हम हींग डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद हम ये तड़का को ऊपर से दाल में डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं डालमा हमारा कितना यमी एंड टेस्टी बना है। अभी हम ऊपर से 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च पाउडर को डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और ग्रेटेड नारियल को भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए अपने घर में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है और हेल्दी भी रहता है। अभी हम ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे यहाँ पे और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल और धनिया पत्ता ऊपर से डाल देंगे। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी को अपने घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।